ये साक्ष्य है मुकेश विश्नोई कांकड़ा, जो बीकानेर से गोमाता को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के लिए लगातार 16 दिन से दिल्ली के लिए झंडा लेकर पदयात्रा कर रहे हैं। इनके पैरों में छाले भी पड़ चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए अवगत करा दें कि काफ़ी समय से लगातार गोमाता की सेवा को लेकर चर्चाएं तो होती रहती है, लेकिन पूर्ण रूपेण सार्थक परिणाम नहीं मिला है। गोमाता अभी भी डर डर कर भटकती देखी जा रही है। हालांकि कुछ दिन पूर्व ही राजस्थान सरकार द्वारा पशुओं के लिए एम्बुलेंस भी चलाई गई थी, लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि गोमाता के संरक्षण का, जिसे लेकर कांकड़ा से मुकेश बिश्नोई गोमाता का दर्जा दिलाने के लिए लगातार 16 दिन से पदयात्रा कर रहे हैं। उनके साथ में एक व्यक्ति गाड़ी लेकर सहयोग के लिए चल रहा है। पदयात्रा करने वाले मुकेश बिश्नोई ने अवगत करवाया कि मैं निराहार गोमाता को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल कलराज मिश्र को भी ज्ञापन दे चुका हूँ। वहीं अब दिल्ली के लिए पदयात्रा कर रहा हूँ, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर गोमाता को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने को लेकर वार्तालाप करूँगा और उनसे पूछूंगा कि जब राम मंदिर का भव्य निर्माण हो सकता है तो क्या गोमाता को राष्ट्रीय दर्जा नहीं मिल सकता। सभी बातों को लेकर मैं पैदल पदयात्रा कर रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी बात को सुना जाएगा। जो झंडा लेकर के गोमाता को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के लिए आप चल रहे हैं, सरकार से आपकी क्या मांगे रहेंगी और क्या करवाना चाहते हैं सरकार से आप? जी, मेरी मांग सबसे आगे यह रहेगी कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले, इसका कानून हो। और गौ माता आज खुले में छोड़ रहे हैं हर आदमी, इसका कानून होना चाहिए और उसके कानून के प्रति सजग हो कर हर आदमी का इसकी दंड मिलना चाहिए। किसी को खुले कोई भी पशु को खुला नहीं छोड़े, पालतू पशु जो कोई भी पालतू पशु है उसको खुला नहीं छोड़े। कि जो गौशालाएं पुरानी जो चल रही हैं उनका निरीक्षण है क्या सरकार करती है या नहीं करती है, या फिर मतलब उनका निरीक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी, मैं गौशाला की और उनसे क्या क्या फायदे गौ माता के लिए मिलने चाहिए? जी, मैं गौशाला के लिए तो मैं लास्ट उपाय होता है सर, मेरा सबसे उपाय पहले है कि राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार से मुझे ये उम्मीद है कि राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलेगा तो पूरा कानून बन के ये दर्जा मिल जाएगा, तो गौ माता और अन्य पशु कोई भी खुले में नहीं छोड़ेगा, इससे प्रावधान भी होने। और दूसरे मुझे विश्वास है कि यहाँ के पशु खुले छोड़ने से अच्छा है गौशाला में नहीं रखे। गौशाला में तो आज गाय की स्थिति बहुत ख़राब है, गौशाला तो लास्ट उपाय है। और जहाँ मतलब खुले पशु होते हैं माताओं के लिए सरकारें, पूर्ववत सरकारें या वर्तमान सरकारें, जो भी सरकारें रही थी उन सरकारों ने गौशालाएँ खोली थी, कोई दिक्कत नहीं है, गौशालाएँ चलनी चाहिए और सनातन धर्म की रीढ़ है गौ माता का। जी, ठीक है ना। इसके उपरांत कुछ जगह ऐसा देखा गया है कि आवाराओं की तरह गौ माताएँ घूम रही हैं, उनका कोई संरक्षण नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे सड़क पर घूम रही है और सड़क पर घूम रही है खुली मरी हुई पशु को, इसका मतलब एक क्षेत्र होना चाहिए, वहाँ पर इकट्ठा करके जो भी मिट्टी में दबा के उसको मतलब निशन होना चाहिए। खुले में सड़क पर पड़ रही है, गंदगी फैल रही है, पशु मर रहे हैं, इसे इसका पूरा निशन होना चाहिए सर। मैं सरकार से यही अडजस्ट आगे रहता हूँ और पशु का के रूप में एक पशु के रूप में इसको आर्सन इसको मिले और थोड़ा बजट भी मिले हर आदमी इसके बारे में सर। को आपने ज्ञापन दे दिया? जी, मैंने सबसे पहले तहसीलदार को दिया, फिर जिला कलेक्टर को दिया, फिर आज कल राज्यपाल को दिया, आज मैंने वर्तमान में मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे के यहाँ से मेरे रवाना हूँ। आज मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे दिया? जी सर। और राज्यपाल जी को भी दे दिया सर। तो अब आगे कहाँ जाने वाले हैं? आगे मैं दिल्ली जाऊँगा और राष्ट्रपति महोदय श्रीमान द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी जी को मैं ज्ञापन दूंगा और दो बात का सवाल जवाब भी मोदी जी से चाहूँगा, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी दो सवाल पूछूँगा कि इसका कानून क्यों नहीं बन रहा है, आज गौ माता और राष्ट्र माता का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है। श्री राम मंदिर को दर्जा मिल रहा तो ये तो सनातन धर्म को मानने वाली पशु है, गौ माता है, सबसे सनातन धर्म में सर्वश्रेष्ठ पशु के रूप में माता मान के पूजा की जाती है और ये
ऐसा नहीं, इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई रोला नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, क्योंकि ये सब सनातन धर्म में हिंदू मुस्लिम सब पालते हैं पशु और गाय का दूध खाते हैं। गाय तो हम नहीं पालते, गाय हमें पालती है, मुझे पूर्ण विश्वास है सनातन धर्म में गाय हमें पालती है, गाय तो हम नहीं पालते, ये मेरा पूर्ण विश्वास है।